वेलकम टू दी सीएस एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एक से लेकर के 20 तक हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखो कितना सॉलिड क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछता है। तो पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन करने से पहले मन को एकदम स्थिर करना है। देखो कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² देखो इसका ये फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x। देखो हम क्या बोलेंगे, कंडीशन पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी इनवर्स फंक्शंस के लिए पता, रेंज और डोमेन के लिए वैलिड होता है। ये आपका अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। देखो इधर तो कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² इसका ये फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, उसी नंबर आगे जाओ। 22 नंबर है 3 sin inverse x = कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है sin inverse 3x - 4x³। ये फॉर्मूला मतलब ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। आगे आ जाइए 23 नंबर में। 23 में tan inverse -1/√3 है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो tan inverse पहले माइनस है, तो tan inverse माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इधर से माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। अब यहाँ पर से किसका वैल्यू 1/√3 होता है, कितना डिग्री का, tan π/6 का, दोनों फंक्शन सेम है तो क्या बचेगा, माइनस तो सही है, π/6 बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, ठीक है ना। अब इधर से आ जाओ 24 नंबर में, साइन है sec inverse x + cosec inverse x। देखो यहाँ साइन तो अपनी जगह सही है, एक sec इनवर्स होगा, दूसरा cosec इनवर्स से होगा, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन है, दोनों पे इनवर्स होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू सीधे क्या होता है, π/2। और sin π/2 क्या होता है, sin 90 डिग्री आपको पता होता है कितना होता है, 1। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, ठीक है ना। चलो बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan inverse 1/3 + tan inverse 1/7। तो देखो फॉर्मूला पहले कौन सा लगेगा, यहाँ पर 2 आ गया, इसके लिए पहले 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगाओ। देखो फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, 2 tan inverse x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, tan inverse 2x / 1 - x² तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन 2 tan inverse 1/3 + tan inverse कितना है, 1/7। देखो 2 tan inverse x का यहाँ फॉर्मूला रहेगा क्या हो जाएगा, tan inverse 2x, 2 × x की जगह 1/3, और 1 - x² तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। अभी ये जैसे है इसको वैसे ही उतार दीजिए, tan inverse यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2/3, 9 LCM ले लोगे तो 9 - 1 और प्लस इधर कितना हो जाएगा, tan inverse 1/7। यहाँ हो गया आपके पास tan inverse 2/3, 9 में से 1 गया तो 8 और 9 अब प्लस इधर कितना हो गया, tan inverse 1/7। अब देखो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, tan inverse 2/3 यहाँ सही है, यहाँ बढ़ता पलट देंगे तो 9 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, यहाँ जाएगा 9/8 प्लस कितना, tan inverse 1/7। ये 3 + 9 कट गया, 2 × 4 = 8 यहाँ से कट गया, तो यहाँ क्या बचा, tan inverse 3/4, यहाँ बचा tan inverse 1/7। अब कौन सा फॉर्मूला, tan inverse x + tan inverse y, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan inverse x + tan inverse y का फॉर्मूला, tan inverse x + y / 1 - x y, जैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ x क्या हो गया 3/4 और y कितना हो गया 1/7, पुट करो इस पे tan inverse 3/4 + 1/7 / 1 - 3/4 × 1/7, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा 28, यहाँ 7 टाइम में कटेगा, इसको मल्टीप्लाई होगा 21, 7 × 4 जब 4 बार में कटेगा, 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे में कितना एलसीएम 28 LCM हो जाएगा, तो यहाँ 28 और -3, ये और ये कट गया, तो क्या बचा है इधर से tan inverse, देखो 21 + 4 कितना हो गया, ऊपर में यहाँ 25 हो गया, और नीचे में 28 में से 3 गया तो ये भी 25 हो गया, ये से ये कट गया तो यहाँ हो गया आपके पास tan inverse 1।
अब tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू 1 होता है tan 45 डिग्री का, और यहाँ ऑप्शन देखो पाई में दिया हुआ है तो क्या लिखा हुआ है tan किसका वैल्यू 1 होता है पाई बटा 4 का। अब ये दोनों फंक्शन सेम होता है, दोनों में से किसी एक पर क्या होगा इनवर्स, तो क्या बचता है एंगल, तो एंगल क्या है पाई बटा 4, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका सी नंबर होगा। समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन हम बनाए हैं, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पर इतना ज्यादा फॉर्मूला किसके कारण बना है, यहाँ जो पुल लगा हुआ है इसके कारण, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन एंड दिस वन, ये डिटरमिनेंट हो गया, ऑप्शन है ए 23, बी है 0, सी है 1 और डी है नन ऑफ दिस। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसमें 26 नंबर को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट का क्या रूल होता है, ये किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात कि डिटरमिनेंट्स में हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो पहला वाले में से कॉमन ले सकते हैं, नहीं, यहाँ 3, 7, 9 इसमें से नहीं, लेकिन देखो 4 में से इसमें से कॉमन ले सकते, 4 यहाँ पर 8 और यहाँ 16, नीचे वाले में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन लिया तो ऊपर बचेगा 1, 2, 4, 3, 7, 9, 3, 7, 9 और यहाँ कितना 4 कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 4। डिटरमिनेंट्स का रूल कहता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 0। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये हो गया आपके पास R1, ये हो गया आपके पास R3, तो R1 बराबर कौन सा R3 है, इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा कॉमन लेकर के ऑपरेशन करके आपको बनाना पड़ेगा। आइए सेम एज हियर 27 में द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस वन मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट है दिस वन डिटरमिनेंट, और ऑप्शन सब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 0 है। ध्यान से देखो इस वाले में 1, 1, 1 है, ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी दिया हुआ है, ये हो गया आपके पास C1, ये हो गया आपके पास C2। इसमें अगर हम ऐसा करें इस C1 में C2 को C3 को जोड़ दें, यह होगा C1 C2 C3। देखो C1 में हम ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर हम ऑपरेशन ऐसा करते हैं C1 में C1 प्लस सॉरी C1 में नहीं C2 में C3 को जोड़ते हैं, तो देखो क्या होगा 1, 1, 1 C1 ऐसे रह जाएगा, C1 में हमने सॉरी C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं ना, इसमें इसको जोड़ रहे हैं इसमें नहीं ना, ये हो गया आपके पास C1, ये हो गया आपके पास C2, ये हो गया C3, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ जोड़ेंगे बी प्लस सी प्लस ए, इसको एक के बार हम अरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी, इसको भी कौन सा ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, इधर क्या बच गया बी प्लस सी, यहाँ बच गया सी प्लस सी और यहाँ बच गया ए प्लस बी। अब देखो डिटरमिनेंट को अभी हम इसमें क्या बोले, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, मतलब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ चलो यहाँ अगर कॉमन ले लिए हम ए प्लस बी प्लस सी, तो अब यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ 1, 1, 1 तो सही है आपने जगह, अब यहाँ पर से जो कॉमन ले लिया यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 तो 1, 1, 1 और यहाँ कौन सा बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। देखो ऑप्शन में आपका ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है, लेकिन डिटरमिनेंट्स का रूल क्या कहता है, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में समान होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या देख रहा है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C1, ये हो गया C2, C1 बराबर C2, C1 C2 के बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलो बच्चों 28 नंबर में द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, मतलब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालना है, देखो इसको आप क्या करो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, मतलब इसको लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर -11 लेंगे फिर इसको इसको मल्टीप्लाई इसको, देखो बहुत ज्यादा नंबर तक हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। इस कैलकुलेशन से बचने से लिए आप क्या करेंगे, सब मेनू सबको छोटा कीजिए, किसके थ्रू ऑपरेशन करके, देखो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्या डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का साइन है 7, 11 और इधर 13, 17, 19 इधर 23, 29, 31 और इधर 37। पहले छोटा करने की कोशिश करो, क्या करोगे इधर से इसको, इसमें से ये हो गया आपके पास C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, तो आप कैसे छोटा करोगे, ध्यान से देखो इसको इससे माइनस करो इसको इससे माइनस इसको इसको,
इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। तो हम करते हैं C1 को C1 माइनस C2 और C2 को करेंगे C2 माइनस C3। ध्यान से देखो जिसमें ऑपरेशन करेंगे उसी में चेंज होगा। C1 सात में से ग्यारह, ग्यारह में से सात गया कितना बचा चार, यहाँ माइनस सात। सत्रह में से उन्नीस गया था कितना बचा माइनस टू। और उन्तीस में से इकतीस गया तो नौ दो ग्यारह, यहाँ ए भी हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ देखो ग्यारह में से तेरह तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस दो, यहाँ उन्तीस इधर कितना है ट्वेंटी थ्री, तो नौ चार तेरह यहाँ पर हो जाएगा माइनस चार। यहाँ इकतीस है, इकतीस में से सैतीस चला गया तो कितना बचेगा माइनस माइनस छ बचेगा ना। देखो ना सैतीस में से इकतीस गया तो छह बचेगा, यहाँ पर कौन सा ये कम में से ज्यादा को घटा रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास थर्टीन ट्वेंटी थ्री और थर्टी सेवन। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक काम करते हैं ना, यहाँ से इस वाले रो से क्या करो माइनस टू कॉमन ले लो, इस वाले से भी माइनस टू कॉमन ले लो। यहाँ पर से माइनस टू कॉमन लेंगे हम और यहाँ पर से भी माइनस टू कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा देखो तो टू बचेगा, इधर वन वन बचेगा, यहाँ बचेगा टू, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ कितना बचेगा टू कॉमन लेंगे तो वन बचेगा, इधर यहाँ कितना बचेगा टू बचेगा और यहाँ कितना बचेगा थ्री बचेगा। देखो छोटा छोटा हो गया, यहाँ बचेगा तेरह ताइस और ट्वेंटी सॉरी थर्टी सेवन, थर्टीन उसके बाद इधर हो गया ट्वेंटी थ्री, इधर हो गया कितना थर्टी सेवन। चलो यहाँ पर टू इंटू टू यहाँ आ जाएगा फोर। अब एक काम करो इसको भी एक बार और ये ले लो, देखो सबको सब में से घटाओ, ये हो गया आपको ऑपरेशन का ये आर वन, ये हो गया आर टू, ये हो गया कौन सा आर थ्री। घटाओ इसको, आर वन को करोगे आर वन माइनस आर टू और आर टू को करोगे कितना आर टू माइनस आर थ्री, तो छोटा होगा। देखो टू में से वन गया तो वन, वन में से टू गया कितना बचा माइनस वन, तेरह में से ताइस देखिए देखो ट्वेंटी थ्री में से तेरह गया कितना इधर जीरो, इधर हो जाएगा वन, यहाँ माइनस टेन हो जाएगा। यहाँ इसमें से इसको घटाना है तो जीरो टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस वन, इसको इसमें से घटाओ तो थर्टी सेवन में से ट्वेंटी थ्री घटेगा, सात में से तीन गया कितना बचेगा चार और यहाँ वन, इधर माइनस में हो जाएगा। अब इधर कितना बचा वन थ्री और थर्टी सेवन। ठीक है, और ऑपरेशन कर दोगे या फिर कैलकुलेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं अगर और ऑपरेशन करना है तो इसमें से देख लो, इसको भी इसको जीरो कर दोगे ये तो और छोटा हो जाएगा, तो अब इसको ऑपरेशन करने के लिए बैठेंगे हम यहाँ पर से, और छोटा करना है तो देखो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटा दोगे यहाँ पर ये क्या जाएगा जीरो, लेकिन यहाँ पे देखो बढ़ जाएगा, एक काम करो छोड़ दो अब यहीं से कर लो, इधर चार तो अपने जगह सही है। अब देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा वन लेंगे हम, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस थर्टी सेवन और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस फोर्टी टू, ये भी जो माइनस होता है माइनस यहाँ लेंगे। अब ये काम करते हैं ये इस ऐसे करके लेते हैं, ये हो गया जीरो तो माइनस जीरो, तो इसके बाद कैलकुलेशन नहीं करना है तो प्लस वन ले लेते हैं, अब वन लेंगे तो ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, ऐसे करोगे तो इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा फोर्टीन, इधर कितना हो जाएगा माइनस दस। यहाँ फाइनली हो गया आपके पास फोर इंटू कितना हो गया बयालीस है, बयालीस में से सैंतीस चला गया तो कितना बचा गया चार सात चार ग्यारह सात पांच, तो यहाँ पर बच जाएगा पांच और यहाँ पर बचेगा कितना प्लस चार, यहाँ पर जाएगा पांच चार नौ इंटू चार थर्टी सिक्स, कितना आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है, देखो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे लेकिन इस वाले मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन लास्ट में कम हो गया है। ठीक है, ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू दिस पर मैट्रिक्स तो ए क्यूब बराबर कितना होगा, तो ध्यान से देखो ए क्यूब निकालने से पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो पहले ए स्क्वायर निकालो तो ए स्क्वायर को क्या होगा इसी को दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले वाले को, पहले वाले कॉलम से तो वन इंटू वन कितना हो गया वन, बीच में प्लस का साइन होता है वन इंटू वन कितना हो गया प्लस टू, फिर इसको फिर ऐसे करोगे तो वन इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर इससे करोगे तो यहाँ माइनस वन, फिर इसको करो ऐसे करोगे तो माइनस वन, फिर इसको करोगे तो माइनस वन, इसको इससे करोगे तो वन, यहाँ होगा प्लस वन, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा टू माइनस टू माइनस टू और इधर टू, ये क्या निकला आपका ए स्क्वायर।
आपको क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। यहाँ ध्यान से देखो, ए क्यूब बराबर हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, टू 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 टू, मतलब ये माइनस और ये माइनस है। और ए का वैल्यू कितना है, माइनस, सॉरी ए का वैल्यू है वन, माइनस वन, माइनस वन वन। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, दिस वन इंटू दिस वन, टू इंटू टू कितना आ जाएगा, टू प्लस टू इंटू टू ये कितना आ जाएगा, ये भी टू। आगे चलो टू इंटू माइनस टू ये कितना आ जाएगा, माइनस टू। यहाँ पर इसको करोगे तो ये भी माइनस टू, फिर इसको करोगे ऐसे माइनस टू इंटू वन तो माइनस टू, प्लस टू इंटू टू, सॉरी यहाँ पर माइनस टू होगा, माइनस टू को इससे करोगे माइनस वन से टू, प्लस टू, टू को फिर इससे करोगे तो टू। यहाँ कितना हो गया आपके पास, ए क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ कितना निकला, फोर निकला, यहाँ माइनस फोर, माइनस फोर, इधर कितना निकला, फोर। डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में अगर अंदर में पूरा एलिमेंट सब सेम रहेगा तो हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ वन माइनस वन माइनस वन, इधर फोर, सॉरी यहाँ भी वन होगा। इसका वैल्यू क्या है, ए है, इसकी जगह होगा ए, कौन सा ऑप्शन होगा आपका, बी नंबर होगा। समझ में आ गया। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है और ऑप्शन कहता है सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स, या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या यूनिट मैट्रिक्स होगा, या नॉन ऑफ दिस। यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि डिटरमिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स का जितना भी वैल्यू होगा सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा, सब एलिमेंट वन होगा। अब एसक्यू और सिमेट्रिक, एसक्यू और एसक्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है कि जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे। तो अगर चेंज हो गया, अगर माइनस में आ जाएगा तो एसक्यू होगा, अगर कोई चेंजिंग नहीं होगा तो वही सिमेट्रिक रहेगा। देखो यहां से अगर इसको ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज को ऐसे डैश से जॉइंट करते, ट्रांसपोज मतलब ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिखे, ए एच जी ये ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिखे, एच बी एफ ये ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिखे, तो बी एफ सी। अब इसको बोर्ड से देखिए, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब हो जाएगी ए डैश बराबर ए, तो जब ए डैश बराबर ए होता है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा ऑप्शन। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स होगा वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।